हेलो गाइस, मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि चिकन को सैनिटाइज़ करके कैसे सेफली कंज्यूम करना है। सो बेसिकली जैसे मेरे पास पार्सल आया, इसको मैंने एक सैनिटाइज़र स्प्रे से मैंने इसको स्प्रे किया। मैं आला और डेटॉल का मिक्सचर यूज़ करता हूँ। आप कोई भी सैनिटाइज़र स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये तो भारी कवरिंग होती है, तो ये मैक्सिमम इन्फेक्शन होने के इसके पे चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अंदर जैसे ही मैंने कवर ओपन किया, तो कवर को भी मैंने एक जो हमारे हैंड वॉश से क्लीन कर लिया, उसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया। इसके साथ मेरे हाथ भी धुल गए और वो बाहर की कवरिंग भी अच्छे से साफ हो गई। उसके बाद कट करने के बाद आप अंदर देख सकते हैं कि अंदर अभी हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर दो पैकेट निकले हैं। दो पैकेट बेसिकली हाफ हाफ केजी के, मैंने 1 केजी ऑर्डर किया था पर और ये दोनों पैकेट जो है वो ये भी सील पैक इन्होंने पैक किए हुए हैं, बट हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले रहे थे, हम इसको भी प्रॉपरली पानी के नीचे सोप के साथ में क्लीन कर लेंगे। दोनों को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और ये अच्छे से क्लीन हो जाने के बाद इसको मैं भी कट ओपन करने वाला हूँ। ये चिकन जो है मैंने फ्रेश टू होम से ऑर्डर किया था और इसको भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। एक बार रिंस करने के बाद इसमें अब हम लगभग 1 केजी चिकन के लिए 1 टीस्पून हम हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी और उसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट। बस ये मिक्सचर को बना के उसमें चिकन को अच्छी तरह से सोक करने के लिए रख देना है। और हल्दी जो होती है, जो टर्मरिक है, वो एंटीसेप्टिक होता है और सॉल्ट भी है इसके अंदर। सो जो भी इन्फेक्शन या मेजर इन्फेक्शन हो सकते हैं या चांसेस है, तो इसमें वो मर जाएंगे। और वैसे भी हम चिकन को अच्छी तरह से कुक करने वाले। सो गाइज, दिस वॉज द वे कि हम अपने घर के कुछ इंग्रेडिएंट्स को लेकर चिकन को सैनिटाइज करके कंज्यूम कर सकते हैं। थैंक यू।